नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। तो आज है 7 मार्च और हम शुरू करने वाले बहुत ही शानदार यहां पे करंट अफेयर्स को। तो मेरे साथी, शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन है जो मैं आप सबको देना चाहूँगा। बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट्स के माध्यम से बहुत सारी बातें पे कहते हैं सर कि यू आर डूइंग गुड, और बहुत सारे बोलते हैं सर कि नहीं, हमें वापस प्रशांत सर चाहिए। तो मैं बता दूं मेरे साथियों कि मैं भी पूरा प्रयास कर रहा हूँ बेहतरीन से बेहतरीन करंट अफेयर्स देने का। ठीक है, शुरू करने से पहले आपके लिए छोटा सा मोटिवेशन ये है, वो ये है। देखिए, इस प्रकार से मैंने अक्सर देखा था कि एक सर्कस में बहुत बड़ा हाथी है जो यहाँ पे पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। तो जब मैंने सर्कस के मास्टर से पूछा कि ऐसा क्यों है, इतना बलशाली इतना विशाल हाथी ये पतली से रस्सी से क्यों बंधा हुआ है, तो उस मास्टर ने एक छोटी सी बात कही कि जब ये हाथी छोटा था तो मैं अक्सर इसे इसी रस्सी से बांधा करता था और इस रस्सी को तोड़ने का बहुत प्रयास करता था मेरे साथियों, लेकिन क्योंकि उस समय इसमें इतनी शक्ति नहीं थी वो इस रस्सी को तोड़ सके, और उस हाथी के मन में ये बात बस गई कि रस्सी मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। क्या वास्तव में आज भी ये रस्सी उस हाथी से ज़्यादा शक्तिशाली है? नहीं। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि कंपटीशन के अंदर भी आपके साथ यही सीन हो रहा है। कंपटीशन के अंदर हो सकता है कि आपने आज से 2 या 3 साल या 6 महीने पेपर 6 महीने पहले कोई पेपर दिया हो, वो ना निकला हो, लेकिन आप हमेशा उस हाथी के समान है जो लगातार बड़ा होता जा रहा है, और कंपटीशन उस पतली सी रस्सी के समान है जिसे आप कभी भी तोड़ सकते हैं। तो कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। चलिए, इस बात से शुरू करते हैं आज का बहुत ही बेहतरीन हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा है, देखिए कि अभी हाल ही के अंदर यहाँ पे किस मैगजीन ने जो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं वहाँ पे, तो फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे कवर पेज में शामिल किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है कि यहाँ पे इसका आंसर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आउटलेट मैगजीन, टाइम मैगजीन, फोर्ब्स मैगजीन या फिर इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर इज यहाँ पे टाइम मैगजीन। यस, ठीक है, टाइम मैगजीन ने भी क्या किया मेरे साथियों, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि टाइम मैगजीन ने यहाँ पे देखिए इस प्रकार का जो कवर पेज है वो लॉन्च किया, और यहाँ पे जो फार्मर प्रोटेस्ट है इसे एक इंटरनेशनल मीडिया कवरेज भी यहाँ पे मिल चुकी है। जब हम टाइम मैगजीन की बात करते हैं मेरे साथियों, तो ये एक अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन है और ये न्यूज़ वेबसाइट पब्लिश भी करती है, और ये बेसिकली है न्यूयॉर्क सी जो पड़ता है, न्यूयॉर्क सिटी है हमारे यहाँ पे यूएसए के अंदर। ओके, तो यहाँ पे देखिए कुछ लेडीज़ हैं जिन लेडीज़ को यहाँ पे कवर किया गया है यहाँ पे टाइम मैगजीन के द्वारा। अगर मैं टाइम मैगजीन के बारे में फर्दर बात करूं तो मैं बता दूं मेरे साथी है कि एक अमेरिकन न्यूज़ मैगजीन है, जैसे मैं पहले बता चुका हूं यहाँ पे इसे एस्टैब्लिश किया गया था यहाँ पे पहली बार में, या इशू किया गया यहाँ पे पहली बार में 3 मार्च 1923 को, और बहुत ही वर्ल्ड फेमस यहाँ पे मैगजीन मानी गई जिसका यहाँ पे जो कवरेज है यह बहुत बड़ा है। अब क्वेश्चन बनता है फार्म बिल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्यों इसका यहाँ पे पीछे ना सिनेरियो चल रहा है। आप जानते हैं कि यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे 3 फार्म बिल्स को लॉन्च किया था जिसके अगेंस्ट में बहुत सारे फार्मर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं मेरे साथियों, और यहाँ पे फार्मर्स को प्रोटेस्ट करते करते लगभग 101 दिन हो चुके हैं, और इसी के कारण देखिए बहुत सारी मीडिया कवरेज भी यहाँ पे मिल चुकी थी। रिहाना का ट्वीट आया था, आप जानते हो इस बारे में। चलिए, अगर मैं टाइम मैगजीन की बात करूँ तो टाइम मैगजीन ने ऐसा नहीं कि इसी को फॉलोअप किया है, इससे पहले बहुत सारे इंडियंस हैं जिन्हें कवर पेज में शामिल किया जा चुका है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन जिसे टाइम मैगजीन में कवर पेज में शामिल किया गया था, तो याद कर लीजिए मेरे साथियों, वो थे हमारे राष्ट्रपिताजी, जिसे राष्ट्रपिताजी कह सकते हैं, तो राष्ट्रपिता जिनका नाम है महात्मा गांधी जी। ओके, द फर्स्ट इंडियन टू बी फीचर ऑन द कवर ऑफ द टाइम मैगजीन वॉज नन देन अदर द फादर ऑफ द इंडियन नेशन, महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी को सबसे पहले यहाँ पे कवर पेज में लाया गया था जनवरी 1931 में, एंड 1947 जून 1947 में, और उसके बाद 1999 में। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिकल डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं मेरे साथी, मैं करंट के साथ साथ स्टैटिकल डाटा भी लेके चलूंगा ताकि एग्जामिनेशन के अंदर किसी प्रकार से कोई भी चीज ना छूटे, खासकर एसएससी और जितने भी वनडे एग्जामिनेशन है उन सब में ये डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जल्दी से कि ओके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि अभी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम जो 75वां इंडिपेंडेंस डे बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हम बहुत बड़ी कमेटी बनाने वाले हैं जिसमें कितने मेंबर्स होंगे। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पे चेयरमैनशिप में कितनी कमेटीज के अंदर कितने लोग हैं जो शामिल किए जा रहे हैं, तो आंसर है यहाँ पे 259 मेंबर्स। ओके, बहुत ही बढ़िया। देखिए, तो गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 259 मेंबर्स की एक पार्टी है जो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, और ये हाई लेवल कमेटी है, और ये बनाई जा रही है 75 इंडिपेंडेंस के लिए जो काम होने वाले हैं उन सब के लिए। ओके, तो क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे इसे क्या नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया है भारत का अमृत महोत्सव। और मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों कि अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए लोगो डिजाइन के लिए एक कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज किया जिसमें जीतने वाले को 1.75 लाख रुपीज की जो इनामी राशि वो देने मिलने वाली है। अगर बात की जाए तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है वो भी इसे टैगलाइन दिया गया। अब यहाँ पे 259 में मेंबर्स जो चुने जाएंगे उसमें कौन कौन शामिल किए गए हैं, तो उसमें फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारी प्रतिभा पाटिल जी, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पे एस ए बोबड़े जी, एन एस ए अजीत डोवाल,
28 राज्यों के मुख्यमंत्री लता मंगेशकर जो स्वर कोकिला है भारत की तरफ से, मध्य प्रदेश के इंदौर सिंह का संबंध है, नोबेल प्राइज विजेता है यहाँ पे अमर्त सेन, सीनियर बीजेपी के लीडर है हमारे कौन से लाल कृष्ण अडवाणी, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी प्रकार के जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं और जितने भी सेवरल गवर्नर्स हैं उनको शामिल किया गया है। इसके अलावा विपक्ष के भी बहुत सारे नेता हैं जिसमें शामिल किए जा रहे हैं मेरे साथियों, जिसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी जी, सीपीएम लीडर यहाँ पे सीतारमन येचुरी जी है, एनसीपी लीडर है शरद पवार जी, तृणमूल कांग्रेस के यहाँ पे जो चीफ है वो है ममता बनर्जी जी, उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है हमारे कौन से यहाँ पे मुलायम सिंह जी, और यहाँ पे बीएसपी जो सुप्रीमो है वो है यहाँ पे कौन सी मायावती, इन सबको जगह दी गई है 259 मेंबर्स के अंदर। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि जो 259 मेंबर्स की जो कमिटीज की शुरुआत होने वाली है इसी 12 मार्च से, यस 12 मार्च 2021 से। अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि 12 मार्च 2021 से क्यों, क्योंकि 12 मार्च का जो संबंध है मेरे साथी वो है डांडी यात्रा से। आपको मैं बता दूं कि 12 मार्च 2021 को डांडी यात्रा के 91 जो वर्ष है वो पूरे हो जाएंगे, और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे राष्ट्रीय सप्ताह शुरू किया जा रहा है अगले 75वें इंडिपेंडेंस डे के लिए। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि 259 मेंबर्स की जो कमेटी बन रही है वो कब से बनना शुरू हो जाएगी, तो आंसर है 12 मार्च से। क्यों बन रही है, क्योंकि इस दिन डांडी यात्रा को 91 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 91 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। तो ये डांडी यात्रा, जैसा आप जानते हैं कि अंग्रेजों के अंदर जो सॉल्ट लॉ आया था, तो सॉल्ट लॉ यानी नमक कानून के विरुद्ध में गांधी जी ने साबरमती से लेकर यहाँ पे डांडी तक पैदल यात्रा की थी, जो शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 को, खत्म हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। यस, डेट से याद कर लीजिएगा मेरे साथियों, एग्जामिनेशन के अंदर बहुत प्यारे पॉइंट्स बनने वाले हैं। तो एज यू कैन सी ऑन द मैप, तो यहाँ पे साबरमती आश्रम है और यहाँ पे देखिए डांडी है, जहाँ पे उन्होंने नमक सत्याग्रह करके नमक कानून को तोड़ा भी था। चलिए, तो एग्जामिनेशन में इस प्रकार से क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जा सकते हैं और बनते भी काफी ज्यादा हैं। चलिए, एक आंसर मुझे अब कमेंट के अंदर जरूर कीजिएगा कि साबरमती आश्रम यहाँ पे किस के आधार पर, ये किस तर्ज पर बनाया गया, किस मॉडल के आधार पर बनाया गया, आप इसका आंसर मुझे कमेंट के अंदर जरूर कीजिएगा। चलिए, वी गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे इकोनॉमिस्ट हमारे अशोक गुलाटी जी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ एडिशनल डायरेक्टर इन विच बैंक। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अशोक गुलाटी जी को यहाँ पे किस बैंक में अतिरिक्त महानिदेशक या अतिरिक्त निदेशक का प्रभार दिया गया है, और इसका आंसर मेरे साथियों पे कोटक महिंद्रा बैंक। यस, कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए, तो यहाँ पे मिंट का एक छोटा सा आर्टिकल है जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि कोटक महिंद्रा बैंक अपॉइंट इकोनॉमिस्ट तो अशोक गुलाटी जी एज एडिशनल डायरेक्टर। ओके, तो अशोक गुलाटी जी की हम जब बात करते हैं तो काफी फेमस यहाँ पे व्यक्ति रहे हैं जो इकोनॉमिस्ट भी हमारे देश के बहुत फेमस। देखिए, अगर मैं बात करूं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, तो सीईओ है यहाँ पे उदय कोटक, हेडक्वार्टर पड़ता है हमें मुंबई में, और इसके फाउंडर भी उदय कोटक रहे थे, और इसे फाउंडेड किया गया था फरवरी 2003 में। देखिए, आपको बता दूं कि कोटक महिंद्रा बैंक अभी हाल ही न्यूज में अभी रहा था, अभी यहाँ पे 2 या 3 दिन पहले यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के बीच में और इंडियन आर्मी के बीच में एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की गई है, जिसमें एक कहा गया है कि कोटक महिंद्रा बैंक साइंस MOU विद द इंडियन आर्मी टू हैंडल सैलरी अकाउंट्स ऑफ द पर्सनल ऑफ द इंडियन आर्मी पर्सनल्स। तो इंडियन आर्मी के अंदर जितने भी जवान हैं, जितने भी अफसर्स हैं, उन सबकी जो सैलरी क्रेडिट की जाएगी अब वो कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर ही की जाएगी, ऐसा एक MOU साइन किया गया है अभी 2 दिन पहले 4 मार्च को। चलिए, देखिए, बैंक्स को लेकर बहुत प्यारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन था SBI का, मैंने ऑप्शन दिया यहाँ पे SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, नो, इट्स अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, सुनो, देखिए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेके कई बार एक स्टैटिक क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, वो ये बनता है, देखिए कि स्टैटिक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कैसे बनाया, तो मैं क्लियर करता हूँ मेरे साथ ही यहाँ पे कि इंडिया के अंदर पहले 3 बैंक्स बने थे जिसे बोलते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बॉम्बे है 1840 में, बैंक ऑफ बंगाल है 1806 में, बैंक ऑफ मद्रास है 1843 में। इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में, जरा सुनना ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूँ, इन तीनों बैंकों को मर्ज करके 1921 में एक बैंक बनाया गया है मेरे साथियों, जिसे बोलते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही यहाँ पे SBI में कन्वर्ट किया गया है 1 जुलाई 1955 को। यस, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि SBI इज फॉर्म बाय द विच बैंक, तो आंसर पे क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और किस कमिटी की सिफारिश में किया गया था, तो आंसर है गोरवाला कमेटी। देखिए, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे फ्लो में सारी की सारी बातें समझ जाएंगे, और ये मैं क्लियर कर दूं मेरे साथियों कि जिस हिसाब से मैंने कमेंट्स देखे हैं, ये मान के चलिए कि मेरा हर एक सेशन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए, वी गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप देखिए यहां पे है कि निकोलाई यहां पे सेनेसरेव है जो अभी फाउंड किए थे, डेट फाउंड किए गए थे अपने रूम के अंदर जो है NIS पटियाला में,
तो ये कौन थे, ओके इनका संबंध किस फील्ड से है, ओके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में निकोलाई सेनेसरव है जो मृत पाए गए हैं अपने क्षेत्र से जुड़े हैं, किस क्षेत्र से जुड़े हैं, ओके इनका आंसर है खेल जगत से। देखिए हम जब बात करते हैं यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है, तो एथलीट कोच है, एथलीट कोच रहे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कम दूरी और लंबी दूरी की जो प्रतियोगिता की जाती है खासकर एथलेटिक्स के अंदर उसकी फेमस कोच रहे थे, और इनकी अभी यहाँ पे डेड बॉडी पाई गई है इनके रूम से जो है NIS में, NIS पटियाला में। अगर मैं बात करता हूँ NIS पटियाला के बारे में, तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो आपको देना चाहूँगा उसके बारे में, वो ज़रा सुन लीजिएगा ध्यान से, कि नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है जिसे हम बोलते हैं NIS पटियाला, और इस्टेब्लिश किया गया यहाँ पे देखिए 7 मई 1961 को, और ये पेरेंट इंस्टीट्यूशन में है किसके, साई के स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। चलिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा बनेगा, सिंपल सा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि विच कंट्रीज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विजिटेड इंडिया, ओके सिंपल सा क्वेश्चन है, द आंसर इज नाइजीरिया। देखिए अगर मैं नाइजीरिया की बात करता हूँ, इट्स अ अफ्रीकन कंट्री, यू कैन सी हियर ऑन द मैप, ठीक है ये अफ्रीकन कंट्री है जो गिनी की खाड़ी की, जो गल्फ गिनी की बिल्कुल पास पड़ती है। ठीक है गिनी की खाड़ी वही खाड़ी है जहाँ पे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 0 डिग्री लैटिट्यूड दोनों आपस में मर्ज करती हैं, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा और 0 डिग्री देशांतरीय रेखा जहाँ पर मिलती है मेरे साथी, वो है गिनी की खाड़ी। ये एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो यू कैन सी ये जो एरिया है इसे बोलते हैं गिनी की खाड़ी, तो इसी के ऊपर है कौन सा, नाइजीरिया। अगर मैं नाइजीरिया की बात कर रहा हूँ, यू कैन सी ऑन द मैप, ये अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है अबुजा, ठीक है, और यहाँ पे महमूदू बुहारी इसके यहाँ पे कौन है देखिए, प्रेसिडेंट भी हैं, ओके ग्रेट। अगर बात की जाए तो यहाँ पे नाइजीरियन यहाँ पे NSA हैं जिनका नाम है बाबागना मोगोंगो, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इंडिया के साथ मीटिंग की है जिसमें उन्होंने बात की है कि हम इंडिया के साथ मिलके जो काउंटर टेररिज्म है उसको खत्म करना चाहते हैं और यहाँ पे इंडिया हमारी मदद करे, तो इस प्रकार की जो मीटिंग है भी की गई है यहाँ पे NSA लेवल की इंडिया के साथ में, ये करंट में क्वेश्चन में भी आपसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, देखिए कि मुथूट के जो वित्त अध्यक्ष थे मथाई जॉर्ज मुथूट, इनका निधन कितने वर्ष की आयु में हुआ है, तो आंसर इज 71 ईयर्स, ओके। अगर देखिए हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो मुथूट ग्रुप के फाउंडर भी हैं उनको भी यहाँ पे वो डेथ हुए हैं, उनकी मृत्यु भी यहाँ पे 71 ईयर्स की एज में, तो यहाँ पे मिन का छोटा सा एक आर्टिकल आप देख पाएंगे यहाँ पर कि मुथूट ग्रुप चेयरमैन MG जॉर्ज मुथूट पासेस अवे एट द एज ऑफ 71। अगर मैं बात करूँ मुथूट ग्रुप के बारे में, तो मुथूट ग्रुप यहाँ पे 14 मार्च 1997 को, 14 मार्च 1997 को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन था जिसे पब्लिक किया गया है किस वर्ष में, आंसर है 18 नवंबर 2008 को, और ये इंडिया के अंदर यहाँ पे सबसे ज्यादा गोल्ड लोन देने वाली इंस्टीट्यूशन भी रही थी, ये अभी भी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा माफ कीजिएगा, तो नीरज चोपड़ा हैज ब्रोकन प्रीवियस नेशनल रिकॉर्ड्स बाय थ्रोइंग हाउ मच मीटर्स, ओके, तो इन्होंने खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है कितना भाला फेंक के। देखिए जेवलिन थ्रो का मतलब होता है भाला फेंकना, और ये बहुत अच्छा स्पोर्ट्स माना गया है। देखिए मैं नीरज चोपड़ा के बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये आर्मी पर्सनल है और यहाँ पे JSU की पद पर है, जूनियर कमीशन ऑफिसर की पद पर है, तो इसका आंसर यहाँ पे 88.07 मीटर्स, ओके 88.07 मीटर्स, यू कैन सी द नीरज चोपड़ा हियर। तो नीरज चोपड़ा की हम बात करते हैं तो देखिए आर्मी पर्सनल है और आर्मी की तरफ से यहाँ पे बहुत ही अच्छे यहाँ पे जेवलिन थ्रो भी माने गए हैं। अगर बात की जाए इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जो जीते हैं, जैसे 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे जकार्ता में, तो उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था, तो इनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी हैं, और अभी हाल ही में उन्होंने 88.07 मीटर्स भाला फेंक के खुद का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है यहाँ पे देखिए कि विच कंट्री विल कम्पीट विद इंडिया इन द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जरा सुनो। अभी यहाँ पे देखिए 4 से लेके 8 मार्च के बीच में जो टेस्ट चल रहा था मोंटेरा के अंदर चल रहा है ना मेरे साथी, भी इंडिया में जीत गई है, एंड जीतने के बाद उसके पास जो पॉइंट्स आए हैं उस पॉइंट से कंप्लीट कर गई है, अब यहाँ पे किसके विरुद्ध में, तो आंसर है न्यूजीलैंड के विरुद्ध में, यस। तो यहाँ पे देखिए ICC यहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल होने वाला है ये होने वाला है इन बिटवीन इंडिया एंड द न्यूजीलैंड। देखिए इसका ऑफिशियली यहाँ पे बहुत सारे माप है मेरे पास जो आ चुके हैं, तो हिंदुस्तान टाइम्स का एक छोटा सा आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि इंडिया टू फेस न्यूजीलैंड इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल एट द लॉर्ड्स, और एक क्वेश्चन बहुत ही प्यारा बनेगा कि यहाँ पे जो लॉर्ड्स के अंदर जो फाइनल मैच होने वाला है वो कब से कब तक होने वाला है, तो इसी साल होगा मेरे साथियों, और वो होने वाला है 18 जून से लेकर 22 जून के बीच में। तो इंडिया ने जो यहाँ पे अभी मैच जीते हैं मोंटेरा स्टेडियम के अंदर, जहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ियों ने बहुत सारे गजब कर दिया है, खैर अभी मैं यहाँ पे अश्विन की बात करने वाला हूँ, अश्विन ने तो यहाँ पे कमाल ही कर दिया खैर। चलिए
तो यहाँ पे 18 जून से लेकर 22 जून के बीच में यहाँ पे इंडिया फाइनल करने वाली है, कंप्लीट करने वाली है, किस यहाँ पे न्यूजीलैंड के साथ, और केन विलियमसन इसके यहाँ पे कौन यहाँ पे कैप्टन भी है। चलिए तो यू कैन सी कि जैसे इंडिया ने यहाँ पे फाइनल, जैसे इंडिया ने अभी यहाँ पे मैच जीता है किसके विरुद्ध, यहाँ पे इंग्लैंड के विरुद्ध मॉन्टेरा में, तो आईसीसी ने पोस्ट कर दिया यस इंडिया हैज टू कंप्लीट विद न्यूजीलैंड, और जो इनॉग्रल सेरेमनी है वो होने वाली है जल्दी ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही प्यारा है कि इनमें से किसके द्वारा या क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के द्वारा यहाँ पे नई दिल्ली में दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का संस्करण उद्घाटित किया गया है, कौन सा वा? ओके द आंसर इज 29th एडिशन। देखिए हम जब बात करते हैं, यू कैन सी हियर कि रमेश पोखरियाल जी हैं जो हमारे यहाँ पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी हैं, और आपकी जो मैं बात करता हूँ तो इंडियन एक्सप्रेस ने इसे कवर अप किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा है कि देखिए इट्स द फर्स्ट एवर वर्चुअल न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर, जो पूर्ण रूप से वर्चुअल भी हो सकता है, और यहाँ पे देखिए वर्चुअल बुक्स आपको मिलने वाली है, मतलब आपको वो बुक्स छूट आप उसे टच नहीं कर सकते, आप उसे दे सकते हैं जैसे हमारे टैबलेट्स हैं, आईफोन्स होते हैं या फोन्स होते हैं, तो आप वर्चुअली इन बुक्स को रीड कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा फेयर है और ये 29th एडिशन है बुक फेयर का। ओके डॉक्टर हर्षवर्धन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुन लीजिए ध्यान से। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो उन्होंने यहाँ पे देसिकन भवन का उद्घाटन किया है। अभी कहाँ किया है जरा समझिए, तो आंसर यहाँ पे आगरा के अंदर। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने ऑफिशियल ट्वीट में ये बात बताई थी आज ही कि उन्होंने यहाँ पे ICMR और जो NJIL है आगरा के अंदर, वहाँ पे देसिकन भवन का उद्घाटन किया है, और यहाँ पे कोविड के जो टेस्ट है वो किए जाएंगे। आज ही के दिन मतलब यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ 7 मार्च की, तो 7 मार्च के अंदर ये न्यूज़ आने वाली है आपके अंदर कि इन्होंने यहाँ पे एक जो सेशन है वो भी लिया है, यहाँ पे इनॉग्रल किया है सेशन का, जिसका नाम है टेक भारत, और टेक भारत के अंदर यहाँ पे फंडिंग्स मिलने वाली है टू प्रोमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन ये बन सकते हैं आपसे बहुत ही प्यारे प्यारे कि डेसिकन भवन कहाँ पर है, आंसर है आगरा के अंदर, और जो टेक भारत है ये प्रोमोट करेगा हमारे भारत के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने अपना जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है जिसका नाम है रेडियो चिना 90.4, ये हर दिल की धड़कन, ये कहाँ पे शुरू किया है, तो आंसर है जम्मू कश्मीर के अंदर। यस तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पे आर्मी के यहाँ पे इक्विपमेंट से आर्मी के यहाँ पे द्वारा एक रेडियो जो प्लेटफॉर्म है वो क्रिएट किया गया है जिसका नाम है चिनार 90.0 हर दिल की धड़कन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कश्मीर की आवाज़ भी है, तो इसका जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं कि रेडियो चिनार है, और फर्स्ट एवर फ्रेंट टर्मिनल टू बी एस्टैब्लिश इन जम्मू एंड कश्मीर, और इसका जो इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट है मेरे साथ ही वो कर रहे हैं यहाँ पे 150 करोड़ का, और यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसे यहाँ पे इनोग्रेट किया है यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने, तो BS राजू ने इसे यहाँ पे इनोग्रेट किया मेरे साथियों, और ये बांदीपुरा और यहाँ पे बारामूला, जो बारामूला जिले हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर, वहाँ पे इसका जो रीच है वो होने वाली है। ओके तो यू कैन सी हियर ऑन द मैप कि मैप तो नहीं, यहाँ पे एक छोटा सा पोस्टर है कि किस प्रकार से यहाँ पे देखिए जो रेडियो चिनार उसका एक छोटा सा इनोग्रेशन है जो यहाँ पे आप देख पाएंगे। ओके ग्रेट, आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है कि अभी किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट करियर में 409 विकेट लेकर वेस्ट इंडीज के जो दिग्गज क्रिकेटर थे कर्सली एम्ब्रोस उनको पीछे छोड़ दिया। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा मेरे साथियों आप सबके सब इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो प्लीज अपने सेशन के कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताइए, अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे जरूर बताइए, फीडबैक जरूर दीजिए। देखिए मैं आपको इसी तरह से बढ़िया बढ़िया चीजें देता रहूंगा, और मान के चलिए आपको डेली बेसिस पे वर्ल्ड अफेयर्स पे बहुत ही शानदार चीजें मिलने वाली हैं। आप साथ दीजिए मेरा, हमें बहुत लंबा जाना मेरे साथियों। तो इन सब बातों से लेते हैं विदा, मिलते हैं कल सेम टाइम पे। बाय बाय, टेक केयर।